गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी। उसी पाठ में भाषा की बात देखिए, पाठ्य पुस्तक निकालिए, भाषा की बात देखिए। मैं आप लोगों को समझाती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। ओके बच्चों, पर्याय शब्द, भाषा, वाणी, बोली, हल, सुलझाना, समाधान का उत्तर, हल सुलझाना, संकल्प, दृढ़, ठान लेना, इरादा कर लेना, संकल्प, दृढ़ निश्चय, ठान लेना, इरादा कर लेना। ओके बच्चों, उसके बाद में विलोम शब्द देखिए। विलोम शब्द पुस्तक में देखो, है ना, लिख लो। विलोम शब्द, एकता, अनेकता, स्वदेश, विदेश, प्राचीन, नवीन, ये रहे विलोम शब्द। एकता, अनेकता, स्वदेश, विदेश, प्राचीन, नवीन। अच्छा बच्चों, उसका वचन देखो, एक वचन दो वचन लिखिए ना आप लोगों ने। वचन ध्यान दीजिए, फोर्थ वन वचन, परीक्षा, परीक्षाएं, संस्था, संस्थाएं, दिशा, दिशाएं, ये रहे वचन। परीक्षा, परीक्षाएं, संस्था, संस्थाएं, दिशा, दिशाएं। अच्छा बच्चों, आगे देखो, उपसर्ग, कुशल, सकुशल, सा, अनुक्रम, अनु, अनुचित,
ये रहे उपसर्ग। क्या है? सकुशल, सा, अनुक्रम, अनु, अनुचित, अनु। इसका आपने देखा होगा प्रत्येक। वार्षिक, एक, खुशी, ई, भारतीय, ई ये रहे प्रत्यय। वार्षिक में एक प्रत्यय, खुशी में ई प्रत्यय, भारतीय में ई प्रत्यय। कारक, कारक पहचाना, लोगों को कारक मालूम, काके की में से में पर उसको पूरे कारक समझ जाते हैं पहचाना। तो इसमें देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता काफी, इसका कारक चिन्ह पहचाना। इस स्वार्थी में को के में के लिए की ये कारक है, ये कारक है को कर्मधाराया कर्म कारक है के संबंध कारक में अधिकरण कारक के लिए संबंध कारक की संबंध कारक तो ये में को के लिए की ये कारक है। को कर्म कारक, के संबंध कारक, में अधिकरण कारक, के लिए संबंध कारक, की संबंध कारक, ये रहे कारक। उसके हम देखो बच्चों लिंग पहचानना। आप लोग अच्छा जानते हैं स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है, आप जानते हैं। तो लिखिए लिंग, स्त्रीलिंग, सरकार, स्त्रीलिंग, संविधान, पुल्लिंग, संस्कृति,
स्त्रीलिंग समाधान पुल्लिंग उसके बाद में देखिए बच्चों, एक शब्द में लिखना पुस्तक में से लिखिए, और लोग जो विश्व के सभी देशों से जुड़ा हो, जो विश्व के सभी देशों से जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं? जवाब देखिए, उत्तर अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद में देखो बच्चों, अद्वितीय। अद्वितीय इसका उत्तर देखिए, जैसा कोई दूसरा ना हो, जैसा कोई दूसरा ना हो। और देखो बच्चों, नीचे दिए गए वाक्य रचना दृष्टि से समझिए। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हिंदी से अपना भविष्य बनाओगे। जो जानकारी दी गई है उसे समझिए। तुमने पूछा कि हिंदी का क्या महत्व है, ये तीन वाक्य मिश्रित वाक्य है, मिलके है। ऐसा लिखो, विश्वास है कि दी गई है, पूछा कि, ये देखो यहाँ सरल वाक्य के साथ तो उपवाक्य को मेल हुआ है। तीसरा, सरल वाक्य के साथ किसी आश्रित वाक्य का मेल होता है उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो पहला जो है मिश्रित वाक्य, दूसरा जो है उपवाक्य, तीसरा वाक्य है मिश्रित वाक्य। और एक प्रश्न को उत्तर देखिए बच्चों, आप लोग हिंदी अनेकता में एकता को दर्शाने वाली भाषा है। अपने विचार बताइए, अनेकता में एकता को दर्शाने वाली भाषा है हिंदी, अनेकता में एकता को दर्शाने वाली भाषा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में बांधने हिंदी भाषा की आवश्यकता हुई। हिंदी से ही हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह कर सकते हैं। हमें भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए हिंदी की ही आवश्यकता है, क्योंकि हिंदी की भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है। भारत में विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं, इसलिए इस देश में विभिन्नता को दूर करके उसमें एकता लाने वाली भाषा हिंदी है। भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या अधिक है, इसलिए हिंदी एकता को बढ़ाने वाली भाषा है। हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से भी भारत की कहलाती है। ओके बच्चों, धन्यवाद।